Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि डाला गया है नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को डेवलप करने के लिए, NGARM को डेवलप करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, NGARM को डेवलप कर रही है DRDO। और अब ऐसी खबरें आ रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर IAF की तरफ से आ रही है, जहाँ पे IAF की डिमांड की वजह से DRDO को ये डायरेक्ट किया गया है कि वो NGARM प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करें। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जनवरी 18 को सुखोई Su-30 MkI से NGARM को टेस्ट किया गया था बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और यह टेस्ट बिना किसी सीकर के हेल्प से कंडक्ट किया गया था, जिसमें इंटेंशनली इसके कंट्रोल गाइडेंस, एरोडायनेमिक्स और प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट करना था, इसलिए वहाँ पे सीकर को डिप्लॉय नहीं किया गया था। और यह टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। यह इंडिया का पहला इंडिजिनस और एंटी रेडिएशन मिसाइल है। बात करते हैं इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम की शुरुआत 2012-2013 में की गई थी, जहाँ पे इसके फिजिबिलिटी स्टडीज़ के बाद बहुत सारे मॉडल बनाए गए थे। इसके डिजाइन इटरेशन को लेके बहुत सारे मॉडल तैयार किए गए और उसके बाद एक मॉडल सेलेक्ट किया गया, जिस पे आज का करंट NGARM बेस्ड है। आपको बता दूँ, ऐसे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वाइड बैंड एक्टिव सीकर, मिलीमेट्रिक एक्टिव सीकर, रेडोम फॉर सीकर और डुअल प्रोपल्शन सिस्टम। ये कुछ ऐसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी है जिसे इस NGARM के लिए डेवलप किया गया है और इसे इस मिसाइल में डाला गया है। और इसके मुकाबले की पूरी दुनिया में ये कुछ मिसाइल्स है जिसे मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि US की AGM-88 HARM, रशिया की KH-31P और ब्राज़ील की MAR-1। तो इन सभी मिसाइल्स का कंपैरिजन NGARM के साथ हमने बखूबी किया है। और NGARM में दिए गए डुअल प्रोपल्शन सिस्टम और मिलीमीटर वेवलेंथ, हर एक इन्वॉल्व्ड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया है अपने एक सेपरेट NGARM के एनालिसिस में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो आप देख सकते हो। तो बेसिकली NGARM है क्या? तो ये एक स्पेशलाइज्ड वेपन है जो कि किसी भी रेडिएशन एमिटिंग सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। और वो रेडिएशन एमिटिंग सोर्स बेसिकली दुश्मन के सर्विलेंस रडार्स या फिर फायर कंट्रोल रडार्स होंगे, जिनको ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। आपको बता दूँ, इस मिसाइल की लेंथ तकरीबन 5.5 मीटर है और इस मिसाइल पे दिए गए विंग्स की शेप क्रूशीफॉर्म में है, जो कि तकरीबन 4 विंग्स होंगे जो कि इसके मनोवर को बढ़ाएंगे। और इसके टेल कंट्रोल्स मूवेबल हैं, जो कि इसको एक्स्ट्रा पिच, रोल और यो जो मोशंस है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस मिसाइल का वेट तकरीबन 600 किलोग्राम होने वाला है, जो कि डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के थ्रू प्रोपेल किया जाएगा। मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इसमें दिया गया है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और PHH मतलब पैसिव होमिंग हेड सीकर। तो इसमें दो टेक्नोलॉजी दी गई है मिड कोर्स गाइडेंस के लिए। मैं आपको बता दूं, मिड कोर्स गाइडेंस वो गाइडेंस होती है जब किसी भी एयरक्राफ्ट से कोई मिसाइल फायर की जाती है तो उसको उस एयरक्राफ्ट का रडार गाइड कर रहा होता है, लेकिन एक लॉन्गर डिस्टेंस में जाने के बाद एयरक्राफ्ट का रडार टारगेट से दूर होता है, जबकि मिसाइल का रडार टारगेट के नज़दीक होता है, जिसको देखते हुए मिसाइल अपने लगाए हुए एक्टिव रडार रिसीवर को एक्टिवेट कर लेता है और टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है और उसको गाइड किया जाता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से। तो इस पूरे प्रक्रम को बोलते हैं मिड कोर्स गाइडेंस। अब बात कर लेते हैं सीकर की। तो किसी भी मिसाइल में सीकर क्या होता है? सीकर बेसिकली किसी भी मिसाइल की आँख की तरह काम करता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करता है और उस ट्रांसमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट करके एक इको के फॉर्म में रिटर्न हो रही होगी तो उनको रिसीव करता है और इस तरह से टारगेट को पता लगा पाता है। तो इस दौरान किसी भी टारगेट तक रेडियो फ्रिक्वेंसी के पहुंचने और उसके एको को सीकर द्वारा रिसीव किए जाने में जितना टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम, तो उसको कैलकुलेट करके ये टारगेट की रेंज तय कर लेता है। जबकि एक इमेजिंग सीकर में किसी भी टारगेट को आप लिटरली देख पाओगे, उसकी एक इमेज बन जाती है इमेजिंग सीकर के थ्रू। अभी DRDO का ये क्लेम है कि इस मिसाइल को सिर्फ Su-30 MkI के लिए टेलर मेड बनाया जा रहा है, लेकिन इसे बाद में तेजस और मिराजेस के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। तो ये मिसाइल काम कैसे करता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, NGARM मिसाइल में लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों की सुविधा दी गई है। और ये एक एयर टू ग्राउंड वेपन है जिसे जनरली मल्टी रोल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया जाता है, जो कि किसी भी एयरफोर्स को टैक्टिकल एयर सुपीरियरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके वर्किंग को समझते हैं। तो इसमें जो पैसिव सीकर दिया गया होता है वो किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसको लॉक कर देता है ग्राउंड पे,
उस सोर्स के थ्रू आ रहे रेडिएशन को लॉक कर लेता है अपने सिस्टम में, किसी भी टारगेट रडार के रेडिएशन को। तो दुश्मन के रडार से आ रहे रेडिएशन को जब वो मिसाइल के सीकर पे इंपैक्ट करता है, तो मिसाइल का सीकर उस टारगेट रेडिएशन को कैलकुलेट कर लेता है कि वो कितनी दूर है, और टारगेट को लॉक करने में हेल्प करता है पैसिव होमिंग सीकर की। जैसे ही एक बार टारगेट की डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है सीकर के थ्रू, तो वो डेटा लॉन्च कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, ताकि अगर दुश्मन अपना रडार ऑफ भी कर ले तब भी उसकी लोकेशन यहाँ पे लॉक हो चुकी होगी लॉन्च कंप्यूटर में। तो इस मिसाइल के लॉन्च के बाद इसके मिड कोर्स में जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और पैसिव होमिंग सीकर है, वो इसकी हेल्प करता है कि वो टारगेट तक मिसाइल को ले जाए और प्रिसाइजली हिट करने में हेल्प करे। और जो भी कमांड डेटा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और पैसिव होमिंग सीकर रिसीव करते हैं, उन डेटा को जनरेट किया जाता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर के थ्रू, जो कि ऑटो पायलट मोड में जनरेट करते हैं और उन्हें मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम तक भेजते हैं। और जब ये पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है, मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा गाइडेंस डेटा जनरेट करके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम को भेजा जा रहा होता है, तो उस दौरान जो मिलीमीटर वेवलेंथ होती हैं MMW, वो टारगेट की लोकेशन को लॉक किए होती है और उसकी इन्फॉर्मेशन रख रही होती है टाइम बाय टाइम कि टारगेट कहीं मूव तो नहीं कर रहा है। तो MMW का यहाँ पे मेन यही काम है। तो ऐसे मिसाइल्स किसी भी ऑफेंसिव मिशंस में काफ़ी हैंडी होते हैं कि आप पहले दुश्मन का रडार ध्वस्त कर दो और उसके बाद उनकी टेरिटरी में आसानी से घुस सकते हो और अपना मिशन परफॉर्म कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की मोमेंटम की। तो अभी इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 50 से 60 साइंटिस्ट लगे हुए हैं और ये काम 2014 से कंटिन्यूस चल रहा है NGARM के ऊपर। और इसमें DRDO की जो सिस्टर लैब्स हैं, जैसे कि RCI, HEMRL, ARDE, TVRL और DLRL, तो ये कुछ ऐसी लैब्स हैं जो कि अभी NGARM के डेवलपमेंट में लगी हुई हैं और इसको फास्ट ट्रैक करने का प्लान कर रही हैं। आपको बता दूं, IAF के जो सॉफ्टवेयर लैब्स हैं वो भी इसमें अभी इन्वॉल्व हैं कि इस मिसाइल पे जो सॉफ्टवेयर लगेंगे उनका इंटीग्रेशन बखूबी इंडिया के IAF के फाइटर्स के साथ हो सके। तो IAF के पर्सनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये पूरा प्रोसेस हेल के नासिक डिवीजन में चल रहा है अभी। और वहीं दूसरी तरफ जो बेंगलुरु में नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनेमिक फैसिलिटी है NTAF, वहाँ पे इसका एक्सटेंसिव विंड टनल टेस्टिंग चल रही है अभी। और ऐसे भी स्पेकुलेशंस है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इसके डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्डवेयर डेवलप करने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रायल्स की। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसका पहला ट्रायल जनवरी 18 को कंडक्ट किया गया इस साल ही, जो कि DRDO ने इसके सक्सेसफुल होने का क्लेम किया, जिसमें ऐसा बताया गया कि इसने 10 मीटर का CEP अचीव किया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, CEP किसी मिसाइल के प्रिसीजन वैल्यू को नापने का एक यूनिट है। और अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की, जो कि अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस पे अब सीकर लगा के टेस्ट किया जाएगा, जिसे कैरिज फ्लाइट ट्रायल्स बताया जा रहा है। और इस टेस्ट में इस पे लगे सीकर को एक वाइड रेंज टारगेट के थ्रू टेस्ट किया जाएगा, और इसी टेस्ट में एक फ्लाइट मिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, एक सिचुएशन बनाई जाएगी और उसमें टेस्ट किया जाएगा कि NGARM कैसा परफॉर्म करता है, जिसके अंतर्गत इसके सीकर का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके मिड कोर्स गाइडेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसके MMW का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करके एक एक्चुअल वॉर सिनेरियो को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो इस ट्रायल को जुलाई से अगस्त में कंडक्ट करने की अभी प्लानिंग है। सो फार अभी IAF की तरफ से NGARM के टेस्ट और ट्रायल्स के परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू हैं। देखने वाली बात यह होती है कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के बाद कब तक ये IAF को मिल पाती है। अगर सब कुछ सही चला तो 2022-23 तक NGARM IAF की इन्वेंट्री में आपको दिखेगा। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।